व्यापारी बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई तथा संचालन वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशासन विनय कुमार गौतम ने किया। बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही महानगर में जर्जर विद्युत तारों और पोलों को बदलने के लिए व्यापारियों ने मांग की, जिस पर विद्युत नगरीय वितरण खंड बक्सीपुर के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया कि टेंडर हो गया है, जल्द ही सभी विद्युत तारों और पोलों को बदलने का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई, जिसके निस्तारण के लिए एडीएम सिटी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, भुवनपति निराला, दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, ओंकार यादव, नम्रता श्रीवास्तव, अनुराग गुप्ता, रविन्द्र मौर्य सहित अन्य व्यापारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लाइट्स कहीं बंद कर दी गई फ्लाइट, हाँ तो वो थोड़ा इससे ज़्यादा अभी खतरनाक कुछ आ रहा। व्यापार बंद की बैठक में आप सभी व्यापारियों और अधिकारियों को स्वागत करता हूँ। नगर में बिजली के खंभे जर्जर हो गए हैं। माया बाजार, हट्टी माई, घोष कंपनी, शाही मार्केट, दुबली चौक के पास 35 KVA के विद्युत तार घरों से सटे हुए हैं। दुर्घटना के खंभों का निचला हिस्सा सड़कर गल गया है, जर्जर हो गए हैं। अविलंब पुराने 2 खंभों को हटाया जाए और अन्य खंभों को बदला भी जाए। इस बैठक में श्री रमेश चंद गुप्त द्वारा बताया गया कि रेती रोड से माया टाकिज की ओर जाने वाली सड़क रेती चौक के पास ट्रांसफार्मर होने के कारण बराबर जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण व्यापार काफी प्रभावित होता है। अब ये इसलिए बैठक में विभाग से जी सर, माया बाजार, हट्टी माई और घोष कंपनी, शाही मार्केट, जुबली चौक के पास 35 KVA की विद्युत तारों से सटे हुए दुर्घटना हो सकती है। सजीव लाइन बहुत पुरानी है सर, जो है अच्छा की बक्सीपुर की लाइन जा रही है। हाँ हाँ, बहुत पुरानी है और हिट लाइन है सर इसकी, तो उसका अभी लोगों ने थोड़ा इंक्रोचमेंट कर लिया है, बाजे वगैरह बाहर और बढ़ा लिए हैं, जिस वजह से ये लाइन जो है पास में आ गई है। तो तुम्हारा दीजिए बाजे, बाजे बढ़ाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है स्ट्रक्चर में बिजली की तारों की तरफ बढ़ाने के लिए? शुरू में जब लाइन लगी थी तो काफ़ी दूरी पर था सर, तो अभी हम लोगों ने अब वो खुलवाना कितना संभव हो पाएगा सर, हम लोगों ने एक RTDS योजना भी इसका प्रपोजल भेजा है अंडरग्राउंड करने का। आप नगर निगम को प्रपोजल हम नोटिस भेज रहे हैं सर। हाँ, कोई भी घटना हो सकती है। हाँ, कोई घटना हो सकती है ना सर, किसी के साथ भी हो सकती है सर। और ये माया बाजार, हट्टी माई स्थान पर आवाज एजेंसी के सामने तथा उसी सड़क पर 2 बिजली के ये सही करा दिया गया सर। ये जो जिन्होंने शिकायत किया था आज शायद आए नहीं है, मैं उनके साथ जा करके खुद ही जो है उसका जो है वेल्डिंग करा दिया था। अच्छा, अभी तो सर उस समय हमारे पास कोई टेंडर नहीं था सर, जो है तो वेल्डिंग 3 तरफ से एंगल लगा करके कर दिया था सर, उसके बाद सीमेंट से ग्राउटिंग करा दिया था, तो वो सेफ था, मजबूत हो गया, वो संतुष्ट थे खुद भी। नहीं, वो संतुलित किया है वहाँ से जंग लगना शुरू सर, ऑक्सीडेशन लोहे का शुरू हो जाए, आज नहीं तो कल वो ग्राउटिंग के स्थान से ढूंढ ये सर। अभी हमारे यहाँ दूसरी एक स्कीम आई है, टेंडर खुल रहा है 28 तारीख को, 7.5 करोड़ का रुपए का है सर, जो है उसमें जर्जर पोलों को बदलने का है सर। उसमें हम करा देंगे सर, 1000 बिल कर लीजिए। हाँ, 1000 पोल बदलने हैं, उसमें ये सब कवर कवर कई वर्षों के लिए आपका काम है जी सर।